हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड कोटिंग यानी कि रक्त के थक्के के बारे में। चोट लगने पर है ना, जब चोट लग जाती है तो घाव से रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद में जो ब्लड होता है वो अपने आप ही रुक जाता है ना। तो वो जो ब्लड रुक जाता है अपने आप, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रक्त का थक्का बंद। ब्लीडिंग का टाइम यानी कि ब्लीडिंग जो आता है वो 1 से 3 मिनट तक आता है, और क्लोटिंग जो 2 से 8 मिनट के अंदर जो है वो क्लोट जम जाता है। ठीक है, कभी कभी जो रक्तवाहिनियाँ होती है उनमें रक्त का थक्का बन जाता है ना, उनमें भी रक्त का थक्का बन जाता है। किसमें बनता है? रक्तवाहिनियों में। घाव पर बनता है वो अलग बात है, लेकिन रक्तवाहिनियों में भी बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो रक्तवाहिनियों में रक्त का थक्का बनता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो क्लोट होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस क्लोट। ये स्थिर थक्के होते हैं जो आकार में लगातार बड़े होते हैं, है ना, जो आकार में धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और अंत में रक्तवाहिनी को अवरुद्ध कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यदि यह थक्का हृदय की कोरोनरी वाहिनी में बने तो उसे कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं, जिसका परिणाम हार्ट अटैक आ जाता है ना। कोरोनरी वाहिनी अगर उसमें यह थक्का बन जाता है तो श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, यदि यह थक्का मस्तिष्क की रक्तवाहिनी में बनते हैं तो उसको सिफिलिस थ्रोम्बस बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लकवा आ जाता है ना। सेकेंड है एम्बोलस क्लोट। एम्बोलस क्लोट जो होता है ये गतिशील थक्के होते हैं जो रक्त के साथ बहते हुए अंत में रक्त में ही घुल जाते हैं, बहते जाते हैं और फाइनली ब्लड के अंदर ही पूरी तरह से घुल जाते हैं। एम्बुलेंस क्लोट गतिशील होने के कारण थ्रोम्बस की अपेक्षा अधिक हानिक होते हैं। गतिशील होते तो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। किससे? वो जो थ्रोम्बस क्लोट होता है उसकी अपेक्षा एम्बुलेंस क्लोट जो होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। अब रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि, ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी। एंजाइम कैस्केड थ्योरी कौन सी होती है? रक्त का थक्का बनने की जो क्रिया होती है उसी को अपन एंजाइम कैस्केड थ्योरी बोलते हैं। यह सिद्धांत जो है मैकफेरेन और वह कोवर्कर्स, उसके जो कोवर्कर्स हैं उनके द्वारा दिया गया। इनके अनुसार बताया गया कि जो थक्का बनने की क्रियाविधि होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। तो अपन तीनों स्टेप्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन से मुक्त होना कैसे होता है? चोटग्रस्त उत्तक, चोटग्रस्त जो उत्तक होता है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स, है ना, ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो स्रावित करता है, है ना। जहाँ पर चोट लगती है वो टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करता है। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन CA2 पॉजिटिव की उपस्थिति में प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग कर के प्रोथ्रोम्बिन्स एंड थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है अभी अपन ने एक्सो और एंडो, है ना, ये क्या करते हैं कि कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा के साथ में, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में क्रिया कर लेते हैं और प्रोथ्रोम्बो, है ना, प्रोथ्रोम्बाइनेस या प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बना देते हैं। और ये एंजाइम रक्त में उपस्थित प्रतिस्पंदक एक ही रक्त में उपस्थित होता है हिपेरिन, इस हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, और इसीलिए इसको अपन एंटी हिपेरिन भी कहते हैं। एंटी हिपेरिन क्योंकि हिपेरिन को क्या कर रहा है, निष्क्रिय कर रहा है, इसीलिए अपन इस एंजाइम को बोलते हैं एंटी हिपेरिन। कौन सा एंजाइम है ये? प्रोथ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो हिपेरिन जो है उसको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, डीएक्टिवेट कर लेता है, इसीलिए अपन इसको एंटी हिपेरिन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड प्रोसेस है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन जो है प्रोथ्रोम्बाइनेस एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलता है, है ना। प्रोथ्रोम्बाइनेस एंजाइम क्या करता है, प्लाज्मा में कौन सा गुला होता है अपना प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम, उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है, और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में फिर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, और फ्री एंजाइम इसमें हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में चेंज होना, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन में कि एक लोगों का बहुलीकरण अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन कहलाता है, है ना। फाइब्रिन किसे कहते हैं, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है वो फ्राइजिन, है ना, थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिनोजन के अलग अलग एकलक का बहुलीकरण कर लेता है और रेशेदार प्रोटीन्स का निर्माण करता है, जिसी को अपन फाइब्रिन बोलते हैं। ये फाइब्रिन के रेशे घाव पर झाल का निर्माण कर देते हैं, जिसमें जो कणिका होती है उसके अटक जाने से रक्त का बहना रुक जाता है, और इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रक्त का थक्का। तो शांत रक्त के थप्पे में मेन हेल्प करता है फाइब्रिन, जो क्या करता है, झाल जैसी संरचना बना देता है, जिसके कारण ब्लड ब्लीडिंग नहीं होती, है ना।
थक्का बनने के बाद भी थक्के के रक्त का कुछ भाग जो है एक हल्के पीले रंग के तरल रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको अपन सीरम कहते हैं, जिसमें सामान्यतः क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, वो नुकसान नहीं करता है, इसको अपन बोलते हैं सीरम, है ना। और जो ब्लड है उसके अंदर जो कॉर्पसल्स होती है ना, ब्लड में जो कॉर्पसल्स होती है उनको अगर निकाल दें तो, मतलब ब्लड में जो कॉर्पसल होते हैं उसको अगर निकाल दें तो जो बचा होता है उसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दें तो जो बचता है उसको अपन बोलते हैं सीरम, है ना। तो अपन ने 3 स्टेप्स देखे अभी ब्लड के थक्का बनने की क्रियाविधि में, इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एंजाइम कैस्केड थ्योरी, है ना। किसने दी थी, मैकफेरान ने, उसके कोवर्कर्स ने। 3 स्टेप्स होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, है ना। कैसे मुक्त होता है कि जहाँ पे भी चोट लगती है वहाँ एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, इनका सिक्रेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा के साथ में सहयोग कर लेते हैं और प्रोथ्रोम्बोकाइनेस के द्वारा, है ना, सामान्यतः तो इसको हिपेरिन को अपन निष्क्रिय कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप हो गए। सेकेंड स्टेप में है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, किसके द्वारा होता है, वो प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम के द्वारा होता है। ये एंजाइम क्या करता है, प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन है उस थ्रोम्बिन को कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, है ना, ये जो घुलनशील प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में, तो फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में चेंज होना जो है वो अपनी थर्ड स्टेप है, ठीक है।